आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 315। 11वां, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई, 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर एक वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मारकर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहब हमें बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल, पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिला न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की आहे रीति है एक आवत एक जात। 12वां, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए, कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैची भर बाल काट कर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए, पुजारी ने एक थैले में डाल दिए, रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है, क्यों ना पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। 13वां, नाम जाप से सुख। नाम यानी उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्मकल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन किए साई माही समाए। 14वां, व्याभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्याभिचार महापाप है। जैसे गरीब दास जी कहते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, सुरापान मद मांसाहारी, गवन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम, पर नारी ना परसियो मानो वचन हमार, भवन चतुर्दस्ता सिर त्रिलोकी का भार, पर नारी ना परसियो सुनो शब्द सल्तंत, धर्मराय के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। 15वां, निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करें और न ही सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरुजी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 316। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना, अपने मुख निंदा जो करहीं, शुकर श्वान गर्भ में परहीं। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और न ही सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों न हो। कबीर साहब कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए जो पांव तले हो, कबहू उठ आखिन पड़े पीर घनेरी हो। 16वां, गुरु दर्श की महिमा। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे
यानी मान बड़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाएं, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहें। कबीर साहब कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, आसोज के मेह ज्यों घना करे उपकार। कबीर, दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो हे घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर, दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। सत्रवा गुरु महिमा, यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत यानी लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सद ग्रंथ साहिब व तस्वीरें जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीब दास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता, यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे होए पार। कबीर, हरि के रूठता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ जा हरि नहीं होत सहाय। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बनिराय, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। 18 मांस भक्षण निषेध, अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, यह महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीब दास जी महाराज ने बताया है, जीव हने हिंसा करे प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनी ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोए। तिल भर मछली खाए के कोटी गौ दे दान, काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। गला काटी कल मां भरे किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। दिन को रोजा रखत है रात हनत है गाय, यह खून वह वंदगी कहूं क्यों खुशी खुदाए। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है सो काफिर बेपीर। खूब खाना है खिचड़ी माही परी टुकलौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। मुसलमान मारे कर दसों हिंदू मारे तरवार, कहें कबीर दोनों मिली जह यम के द्वार। मांस आहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे होई भक्ति में हानि। मांस खाए ते ढेर सब मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। मांस मछलियां खात हैं सुरा पान से हेत, ते नर नर के जाहिंगे माता पिता समेत। जीव हिंसा जो करते हैं या आगे क्या पाप, कंटक जुनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप।
झोटे बकरे मुर्गी ताई, लेखा सभी लेत गुसाई, मृग मोर मारे महमंता, अचरा चर है जीव अनंता, जिह्वा स्वाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना, तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका, शब्द हमारा मानियो, और सुनते हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हारी। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता, बंदी छोड़ कबीर साहिब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहें कबीर तास का पाप नहीं लगाए। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 317। 19 गुरु द्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरु जी से द्रोह यानी गुरु जी से विमुख हो जाता है, करता है वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीब दास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर, जान बूझ साची तजे करे झूठे से नेह, जाकी संगत हे प्रभु स्वपन में भी ना देह। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लख 84 जूनियों में चला जाएगा। 20 जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। बंदी छोड़ कबीर साहिब कहते हैं, मांस भखें और मद पिए, धन वेश्या सो खाएं, जुआ खेली चोरी करें, अंत समूल आ जाए। 21 नाच गान निषेध। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो, आप भी हमारी तरह नाचो गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं, मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहां पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल पासा आवे, जिन्हा दे सिरते मौत खुड़ गदी, उन्हानू केड़ा हासावे, साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ दा दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आवन जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 318। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा ज्योति लगाना बंद नहीं करना चाहिए, न ही किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना है। नोट, जो भक्तजन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो वह माफ हो जाती है। यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम, बरवाला,
जिला हिसार, हरियाणा, भारत। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 319। शास्त्रानुकूल भक्ति साधना से हुए भक्तों को लाभ, गुर्दे ठीक करना व शैतान को इंसान बनाना। मैं भक्त जगदीश पुत्र श्री प्रभु राम, गांव पंजाब खोड़, दिल्ली 81, DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मैकेनिक हूं। मुझे शराब ने राक्षस वृत्ति का इंसान बना दिया था। शराब पीना, मुर्गे खाना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। मैं नौकरी से शाम को लगभग 7 या 8 बजे आता था। कई बार घर आने में शराब ज्यादा पीने पर 9 या 10 भी बज जाते थे। शराब में पागल हुए एक बार इधर एक बार उधर लड़खड़ाते हुए पैरों से घर में घुसता था। आते ही पत्नी व बच्चों को पीटना शुरू कर देना। हर रोज घर में कहर होता था। जिन बच्चों को प्यार के साथ अपनी छाती से लगाना चाहिए था, वे मासूम बच्चे मुझको देखकर चारपाई के नीचे घुस जाते थे। बच्चे अपने पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी आएंगे, हमारे लिए खाने की चीजें लाएंगे। परंतु मैं खाने की चीजों की बजाय शराब में पागल हुए लाल आंखों से उनको मारने लग जाता था। दूसरी तरफ मेरी धर्म पत्नी सुमित्रा देवी भी अपने दुखी जीवन के साथ खतरनाक बीमारी से जूझती हुई श्वास पूरे कर रही थी। उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि दवाई खाते रहो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा यह जीवित नहीं रह सकती। ऑल इंडिया मेडिकल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से भी यह रिपोर्ट मिली कि गुर्दे खराब हो चुके हैं और यह 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती, और साथ में दवाई भी अंत समय तक खाते रहना होगा। उन मासूम बच्चों का क्या हाल होगा जिनका पिता शराब पीता हो, मां मृत्युशैया पर हो, कोई वजन का कार्य नहीं कर सकती। तो उन बच्चों को जब यह पता चला कि तुम्हारी मम्मी यानी माता जी भी 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी, तो उन बच्चों की आंखों से आंसू बहते रहते थे। एक तो पिताजी शराबी और दूसरी तरफ हमारी माता जी जानलेवा बीमारी से पीड़ित, हमारा क्या होगा। 3 लड़के तथा 1 लड़की अपनी माता जी के पास गिरकर रोने लगे तथा कहा कि हे भगवान, हम सबको भी हमारी माता जी के साथ ही अपने पास बुला लेना, यहां किसके सहारे जिएंगे। परमात्मा ने उन बच्चों की भी पुकार सुनी और हमारे भी शुभ कर्म उदय हुए कि हमारे पड़ोस में ही भक्तमती निहाली देवी ने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा अनुसार 30/31/1 जनवरी 1997 को सदगुरु गरीब दास जी महाराज की अमृतमयी वाणी 3 दिन का अखंड पाठ अपने घर करवाया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने 31 दिसंबर 1996 को रात्रि में 9 से 11 बजे तक सत्संग किया। मेरी धर्म पत्नी सुमित्रा देवी भी पड़ोस में सत्संग सुनने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मैं यानी जगदीश भी अपनी नौकरी से घर आ गया। घर आने पर बच्चों से पता चला कि हमारी माता जी पड़ोस में माई निहाली देवी के घर सत्संग सुनने के लिए गई हैं। यह सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ और मैंने कहा कि कहां पाखंडियों के पास चली गई, मैं अभी उसको पीटते हुए घर लाता हूं। यह विचार कर मैं भक्तमती निहाली देवी के घर चला गया। मैंने शराब पी रखी थी। जब मैं निहाली माई के घर पहुंचा तो संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे। बहुत से भक्तजन सत्संग सुन रहे थे। उन सभी को देखकर मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। मैंने सत्संग सुना। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी, सोनारी जारी करे सुरा 500 बार, 1 चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार, मानुष जन्म पाए कर नहीं भजे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया किस काम। महाराज जी ने सत्संग में बताया कि जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए, उस शराबी व्यक्ति को देखकर बच्चे चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। शराबी व्यक्ति आप भी दुखी, धन हानि, समाज में इज्जत समाप्त तथा परिवार
तथा पड़ोस व रिश्तेदारों तक को परेशान करके बद्दुआएं प्राप्त करता है। जैसे शराबी की पत्नी व बच्चे तो कहर का शिकार होते ही हैं, परंतु पत्नी के माता पिता, भाई बहन आदि भी दिन रात चिंतित रहते हैं। सर्व पाप का भार उस नादान शराबी के सिर पर आता है। मनुष्य जन प्रभु ने भक्ति करके आत्म कल्याण करने को दिया है, इसको शराब आदि में नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करता, आवारा गर्दी में घूमता रहता है, वह शिक्षा से वंचित रह जाता है, फिर सारी आयु मजदूरी करके जीवन निर्वाह करता है। फिर उसे याद आता है कि यदि मैं आवारा गर्दी न करता तो आज अन्य सहपाठियों की तरह बड़ा अधिकारी होता, परंतु अब क्या बने, यह तो उस समय सोचना था। कबीर साहब कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी प्रकार यदि मनुष्य जन्म में जो प्राणी प्रभु भक्ति नहीं करता वह पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है वह शराब के नशे में खाने की भरी थाली को लात मारता है। भक्ति न करने से भिन्न भिन्न प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाता है। कभी वह कुत्ते की योनि धारण करता है, कुत्ता सारी रात सर्दी में भी गली में रहता है, ऊपर से वर्षा तथा सर्दियों की रात्रि में महा कष्ट उठाता है। सुबह भूख सताती है, किसी घर की रसोई में घुसने की चेष्टा करता है, घर वाले डंडा या पत्थर मारते हैं, कुत्ता बहुत देर तक चिल्लाता रहता है, फिर अन्य घर में घुसता है, वहां न जाने रोटी मिलेगी या सोटी यानी डंडा। यदि वहां भी डंडा नसीब में हुआ तो वह शराबी जो अब कुत्ता बना है गांव के बाहर जाता है, भूख से व्याकुल हुआ मनुष्यों का मल खाता है। यदि वह नादान प्राणी जब मनुष्य शरीर में था सत्संग में आता, अच्छे विचार सुनता, बुराई त्याग कर अपना कल्याण करवाता तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा प्रभु की दीक्षा प्रदान करवाता, सदा सुखी हो जाता। शराब का नशा कुछ समय रहता है, परमात्मा के नाम भजन से हुए सुख का आनंद सदा साथ रहता है। उपरोक्त सत्संग आदरणीय संत रामपाल जी महाराज का सुनकर मेरी शराब छू मंत्र हो गई, आंखों से आंसू बह चले, घर चला गया, नींद नहीं आई। 1 जनवरी 1997 को दोपहर 1:30 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास गया, उनसे आत्म कल्याण के लिए उपदेश प्राप्त किया। उसके बाद आज 2005 तक शराब, तंबाकू तथा मांस छुआ भी नहीं। मेरी पत्नी ने भी सद्गुरु रामपाल जी से उपदेश लिया, उस दिन के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टरों के इलाज तथा बीमारी की एक्सरे आदि की रिपोर्ट आज भी हमारे घर रखी है, जन जन को दिखाते हैं। संत रूप में आए परमेश्वर के संदेश वाहक संत रामपाल को पहचानो, मुफ्त नाम उपदेश प्राप्त करके कृपया अपना कल्याण करवाएं। भक्त जगदीश दास, आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 321। 11,000 वोल्टेज के तार से छुड़वाना। मैं भक्त सुरेश दास, पुत्र श्री चांद राम, निवासी गांव धनाना, जिला सोनीपत, जो कि फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा का निवासी हूं। सद्गुरु जी से नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि कभी बीमार न रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। इतना कष्ट रहने के बावजूद हम देवी देवताओं की बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज्यादा आस्था थी, लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहां सोए पड़े हो।
तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतना दे रखा है कि हमें वहां के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफी समझाया। पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को भूत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु देव जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को मेरा लड़का मोहित, उम्र 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था, मेरा लड़का मिस्त्री के मकान की छत पर चढ़ गया तथा छज्जे पर चला गया। छज्जे के साथ ऊपर 11,000 वोल्टेज के बिजली के तार थे। लड़के तथा तारों के बीच में केवल 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया और लड़के के सिर पर तार चिपक गया तथा 1 इंच गहरा घुस गया। वह मुंह जल गया और बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़कर निकलने लगी। उसी समय सतगुरु रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग से आए तथा मेरे लड़के को बहुत ही चमकदार यानी तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए, जैसे हजारों ट्यूबों का प्रकाश हो रहा हो। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर बिजली से छुड़ाकर छज्जे पर लिटा दिया। फिर लड़के की सद्गुरु जी से बहुत बातें हुई तथा जब सद्गुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा कि गुरु जी कहां जा रहे हो, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू घबरा मत। उस समय मेरे लड़के मोहित की माता जी भी वहीं पर थी। उसने यह दृश्य अपनी आंखों देखा तथा वह बहुत घबरा गई क्योंकि लड़के के शरीर से बिजली के लपटे निकल रही थी। उसके बाद हम लड़के को पीजीआई रोहतक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए। वह मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, आप घबराओ मत, यदि आज हम गुरुजी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का आज जिंदा नहीं होता तथा मेरी पत्नी को भी प्रेत मार डालते, हम उजड़ने से बच गए। यह सद्गुरु रामपाल जी महाराज की ही दया है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 322। सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि मेरी सत्य कथा को पढ़कर आप जी भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना समय रहते कल्याण कराएं तथा प्रारंभ में लिखे कर्मों के कारण जो घटनाएं घटनी होती हैं उनसे पूर्ण रूप से बचोगे। सद्गुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग वचनों में मैंने सुना था कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी बंदी छोड़ हमारे सर्व पापों को नाश कर देते हैं। ऐसा ही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में तथा मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में भी लिखा है कि यदि किसी रोगी की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी है तथा उसकी आयु भी शेष न रही हो तो उसके प्राणों की रक्षा करूं तथा उसे 100 वर्ष आयु प्रदान करके अर्थात उसकी आयु बढ़ाकर साधक को सर्व सुख प्रदान करता हूं। सज्जनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने अमृत वचनों में यह भी बताया है कि प्रत्येक प्राणी अपने किए कर्मों के अनुसार ही सुख व दुख प्राप्त करता है। दुख तो पाप कर्मों का फल है तथा सुख पुण्य कर्मों का फल है। अभी तक सर्व संत आचार्य गुरु यही कहते रहे हैं कि जो प्रारब्ध कर्म का भोग है वह तो प्राणी को भोग कर ही समाप्त करना होगा। हे सभ्य पाठकों, सद्गुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पाप कर्म से दुख होता है, यदि पाप कर्मों का नाश हो जाए तो दुख का स्वतः अंत हो जाता है। यदि भक्ति करते करते भी पाप कर्म का फल यानी दुख भोगना ही पड़े तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। 7 सितंबर 2011 को हमारे प्रारब्ध कर्म के पाप के कारण मेरे पुत्र मोहित की मृत्यु होनी थी।
हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने हमारे पाप का नाश कर दिया तथा मेरे बच्चे की जीवन रक्षा करके आयु बढ़ा दी। यदि 7 सितंबर 2011 को प्रारब्ध कर्म के फल स्वरूप मेरा बेटा मर जाता तो हम सर्व परिवार के सदस्य भक्ति त्याग देते तथा नास्तिक हो जाते, क्योंकि हमें उस समय परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब भगवान पर अत्यधिक विश्वास हो गया है। यह भी विश्वास हो गया कि परम पूज्य कबीर जी ही परमेश्वर हैं। ये पाप नाशक सर्व सुखदायक व पूर्ण मोक्षदायक हैं तथा सद्गुरु रामपाल जी महाराज उन्हीं के भेजे उनके अवतार आए हैं। अतः आप जी से पुनः प्रार्थना है कि अविलंब सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचे तथा उपदेश लेकर कल्याण कराएं। आप जी से प्रार्थना करने का मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे जैसे दुखिया बहुत हैं। मेरी उपरोक्त आत्मकथा को पढ़कर विचार करके वे भी मेरे की तरह संकटों का निवारण करा सकेंगे तथा सुखी हो सकेंगे। यह संसार समझदा नाही, केंदा शाम दुपहरेनु, गरीब दास यह वक्त साथ है, रोवोगे इस पहरेनु। भक्त सुरेश दास, पुत्र श्री चांदराम, शास्त्री नगर, रोहतक। मोबाइल नंबर। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 323। भक्त दीपक दास के परिवार की आत्मकथा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया। मुझ दास का नाम दीपक दास, पुत्र श्री बलजीत सिंह, गांव महलाना, जिला सोनीपत है। हम 3 पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ डेरा बाबा जयमल सिंह से नाम उपदेशी थे। सबसे पहले मेरी दादी जी की माता जी यानी मेरे पिताजी की नानी जी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा था। उसके बाद मेरे दादा दादी जी और फिर मेरे माता पिताजी ने भी राधा स्वामी पंथ के संत गुरविंद्र सिंह जी से नाम लिया हुआ था। हम भी गुरविंद्र जी महाराज को पूर्ण पुरुष मानते थे तथा इस पंथ में पूर्ण श्रद्धा यह सोचकर रखते थे कि यह संसार में प्रभु प्राप्ति का श्रेष्ठ पंथ है और उनके विशाल डेरे और विशाल संगत समूह को देखकर विशेष आकर्षित थे और सेवा करने के लिए डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास यानी पंजाब में तथा छतरपुर पूसा रोड दिल्ली भी जाते रहते थे। लेकिन इस पंथ में उम्र विशेष में नाम दिया जाता है, इसलिए अभी मैं इस पात्रता के लिए अयोग्य था। मेरे माता पिता जिस दिन छतरपुर से नाम लेने के लिए गए हुए थे, उसी दिन मेरे छोटे भाई उम्र 5 के हाथ से पड़ोस के एक बच्चे की आंख में कोई वस्तु अनजाने में लग गई। जब शाम को नाम उपदेश लेकर मेरे माता पिता वापस आए, उसी दिन से हमारा व हमारे पड़ोसियों का वैर हो गया कि आपके बेटे ने हमारे बेटे की आंख में जानबूझकर चोट मारी है, और उसी दिन से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी दौरान मेरे दादाजी का बीमारी के कारण देहांत हो गया। जब मेरे दादाजी का पार्थिव शरीर दूसरे कमरे में रखा हुआ था तो उस समय मेरी दादी जी जिनका देहांत हुए 12 वर्ष हो चुके थे, मेरी बुआ प्रेमवती में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोली, मेरी दादी ने भी राधा स्वामी पंथ से प्राप्त 5 नामों की बहुत ज्यादा साधना कर रखी थी। वे नियमित रूप से 3 बजे ही व दिन में भी भजन व सुमरण करने के लिए बैठ जाती थी और घंटों राधा स्वामी पंथ के बताए नामों का जाप व अभ्यास किया करती थी कि आज तुम्हारे दादाजी का जीवन संस्कार समाप्त हो गया, इसलिए मैं तुम्हें संभालने आई हूँ। मेरी दादी जी को जीवित अवस्था में सांस की बीमारी के कारण खांसी रहती थी। वे 12 साल के बाद भी ज्यों की त्यों ही खांस रही थी। तब हमने पूछा कि दादी जी, आप तो बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, क्या आप सतलोक नहीं गई? तब मेरी दादी ने कहा कि बेटा, मैंने गलत साधना करने के कारण अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया और अब मृत्यु के पश्चात भूत योनि में कष्ट उठा रही हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 324। मैं कहीं सतलोक में नहीं गई। मेरी माता जी ने आश्चर्य के साथ पूछा कि माँ, क्या आपको आपके गुरु चरण सिंह जी महाराज ने नहीं संभाला? तब मेरी दादी जी ने अत्यंत दुख के साथ कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की और मैं आज भी ऐसे ही दुखी हो रही हूँ। उस घटना के 2 साल बाद एक दिन मेरी दूसरी बुआ कमला देवी के अंदर मेरे दादाजी प्रेतवत प्रवेश करके बोले और कहा कि मैं तो बहुत दुखी हूँ तथा मेरी कोई गति नहीं हुई, मैं नहाना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरी माता जी ने दुख व आश्चर्य से कहा कि आप तो सतलोक में गए थे, क्या वहां पर नहाने के लिए पानी भी नहीं है? लेकिन दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी माता जी मेरे दादाजी यानी जो मेरी बुआ कमला देवी में प्रेतवत प्रवेश थे को नहलाने लगी तो वह कहने लगे कि बेटी, मैं अपने आप नहा लूंगा। तो मेरी माता जी ने दादाजी को, हालांकि वह मेरी बुआ जी में प्रवेश थे इसलिए बुआ वाले कपड़े ही पहना दिए, तो मेरे दादाजी बोले, बस बेटी मेरी धोती ले आओ, मैं बांध लूंगा। मेरी माता जी ने ऐसे ही एक चद्दर पकड़ा दी जो उन्होंने कपड़ों के ऊपर से ही लपेट ली, फिर कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ और जल्दी जल्दी में ही चाय पी ली। मैंने पूछा कि दादाजी, आप सतलोक नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो बहुत कष्ट में हूँ। मेरी माता जी ने फिर पूछा कि आप तो राधा स्वामी हजूर चरण सिंह जी महाराज से नाम उपदेशी थे, भक्ति भी करते थे, क्या उन्होंने आपकी कोई संभाल नहीं की? तब मेरे दादाजी जो मेरी बुआ कमला देवी में प्रेतवत प्रवेश थे ने कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की, मैं तो ऐसे ही धक्के खाता फिर रहा हूँ। उसी दौरान मेरी आंखें भी इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे कम दिखाई देने लग गया था और चश्मा बार बार बदलवाना पड़ा था। मैं एक दोस्त के साथ पढ़ने के लिए उसके पास जाता था। वहां पर भक्त संत राम जी ने मुझे पूर्ण ब्रह्म के अवतार सदगुरु रामपाल जी महाराज की महिमा सुनाई तथा कहा कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तथा कहा कि इन्हीं कष्टों और दुखों से हम जीवों को निकालने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब संत का रूप धारण करके आते हैं। मैंने कहा कि मेरे माता पिताजी ने राधा स्वामी पंत से नाम उपदेश ले रखा है। भक्त संत राम जी ने कहा कि वह पंथ पूर्ण नहीं है, उनकी भक्ति साधना से न तो सतलोक प्राप्ति होगी और न ही जीवन में कभी कर्म की मार टल सकेगी, उसे तो सिर्फ कबीर साहिब का नुमाइंदा पूर्ण संत ही टाल सकता है। मेरे पिताजी को सांस की बीमारी थी, 10 कदम चलने पर ही वे बेहाल हो जाते थे और सांस की बीमारी के कारण दम फूलने लगता था। हाई और लो ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी। मेरे पिताजी को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक हुआ पर कर्म संस्कार वश वे बच गए, लेकिन तब हम यही सोचते रहे कि राधा स्वामी पंथी संत गुरुवेंद्र सिंह जी महाराज ने हार्ट अटैक से बचा लिया, बड़ी रजा की। लेकिन उसके बाद तो आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 324। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 325। हमने सर्दियों की एक एक रात में अपने पिताजी का एक एक सांस टूटते देखा है, बिल्कुल मृत प्राय हो जाते थे और सिवाय बैठकर रोने के हम कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि दवाइयों का भी आखिर आ चुका था। डॉक्टर जितनी ज्यादा से ज्यादा डोज दवाई की बढ़ा सकते थे बढ़ा चुके थे, इससे ज्यादा वे खुराक को नहीं बढ़ा सकते थे। मेरी माता जी डेरे बाबा जैमल सिंह से लाया हुआ प्रसाद उन्हें खिलाती और राधा स्वामी पंथी गुरविंद्र सिंह जी महाराज की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती और रोती। उसी समय मेरे छोटे भाई को ओपरे यानी प्रेत प्रकोप की शिकायत रहने लगी। वह रात को चमक कर उठ जाता था तथा कहता था कि कोई मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है और मुझे सोने नहीं दे रहा है। वह भी बहुत बीमार रहने लगा।
पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की दया से मुझ दास को 8 अक्टूबर 1998 को सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से 20 दिन के अंदर ही मेरा चश्मा उतर गया तथा मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया। मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया था। भक्त संत राम जी ने घर पर आकर मेरे माता पिताजी को भी समझाया कि आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपके सर्व कष्टों का निवारण हो जाएगा। उसके बाद मैंने भी अपने माता पिता को समझाया तो वे बोले, हम पहले तो राधा स्वामी थे, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तब मैंने कहा कि पिताजी, यदि एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा तो क्या दूसरा डॉक्टर नहीं बदलते। परंतु दुखी बहुत थे। कुछ समय बाद कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गए और राधा स्वामी पंथ के उन 5 नामों का त्याग करके पूर्ण संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। सारे परिवार के नाम लेने के साथ ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। मेरे भाई का ओपरा यानी प्रेत बाधा ठीक हो गया। पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। पहले वे 10 कदम भी नहीं चल सकते थे, अब एक आदमी के साथ लगकर चीनी की बोरी को उठा देते हैं। आज हमारा परिवार पूर्ण परमात्मा के अवतार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में उनकी दया से पूर्ण सुखी है। परंतु हमारे दादा दादी व पिताजी की नानी जी के मनुष्य जीवन का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। यदि किसी आदमी की जान बचाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं और उसकी जान बच जाए तो उसे उस खर्च हुए पैसे का कोई मलाल नहीं होता और सोचता है कि चलो जान तो बची। लेकिन आज चाहे कितनी भी कीमत चुकाने पर भी मेरे दादा दादी का जीवन जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना यानी राधा स्वामी पंथ द्वारा बताए 5 नामों की साधना करने से बिल्कुल व्यर्थ चला गया। वे भूत और पितर की योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, वापिस नहीं आ सकता। जो घिनौना मजाक ये नकली संत और पंथ सर्व समाज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात मिलने वाले अनमोल मनुष्य जीवन को जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है उसे बर्बाद कर रहे हैं। इस महाश्रति की आपूर्ति किसी भी कीमत से नहीं की जा सकती। सद्गुरु जी, आपने बड़ी दया की हम तुच्छ जीवों पर जो अपना सत्य ज्ञान देकर अपनी शरण में बुला लिया, अन्यथा हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त इस शास्त्र विरुद्ध साधना में अपने मनुष्य जन्म को समाप्त करके कहीं भूत और पितरों की योनियों में चले जाते और इस शास्त्र विधि युक्त सत भक्ति से वंचित रह जाते। सर्व बुद्धिजीवी समाज से प्रार्थना है कि अभी भी समय है, इस सत्य ज्ञान को समझें तथा निष्पक्ष होकर निर्णय करें। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर सत भक्ति प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवाएं। भक्त दीपक दास। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 326। परमेश्वर की असीम कृपा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा पापी से भी पापी व्यक्तियों के भी संपूर्ण पापों का नाश करके भयंकर रोगों से भी मुक्त कर देते हैं, जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मैं केशव मैनाली, पुत्र श्री इंद्र प्रसाद मैनाली, गांव विकास समिति हरियौन, जिला सरलाही, नेपाल का निवासी हूं और वर्तमान में काठमांडू उपत्यका टिमी भक्तपुर में घर बनाकर रहता हूं। मैं चुरे भावर यानी नेपाल नाम के राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्ण सभासद हूं। मेरे ऊपर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने चमत्कारी कृपा कर मुझे
और मेरे परिवार के संपूर्ण दुखों का नाश कर सुखी बना दिया। संसार की नजर में मैं सुखी और सम्मानित जीवन जी रहा था, परंतु मैं अपनी बीमारियों के कारण बहुत ही दुखी था। मैं पिछले 20 वर्षों से खूनी बवासीर से पीड़ित था और शौच करते समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। साथ ही 8 वर्षों से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित था। राजनैतिक कर्मी होने के कारण बहुत लोगों से मिलना पड़ता था और हमेशा मुख पर कपड़ा या हाथ रखकर बोलना पड़ता था। मैंने अपने रोगों के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि मैंने धर्म के नाम पर अज्ञानी संतों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन के 62 वर्ष बर्बाद कर चुका था। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 327। मुझे यह बातें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पता चला। नेपाल संसद का सभासद होने के कारण सरकारी खर्चों पर मैं संसार के किसी भी डॉक्टर से अपने रोग का इलाज करवा सकता था, परंतु नेपाल के मेडिकल बोर्ड ने इसके लिए सिफारिश नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार मेरा रोग लाइलाज था और कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता। अब तो मुझे लगता था कि जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा और हमेशा दवा खाते रहना पड़ेगा। एक दिन मैं शोक मग्न बैठा था। मुझे मेरे मित्र भक्त भोला दास, जो कई वर्षों से सदगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य था, मेरे दुखों को सुनकर सदगुरु जी से उपदेश लेने पर आपके दुखों का अवश्य नाश होगा, यह कहकर विश्वास दिलाने लगा। मैं तथा कथित बड़े बड़े संतों की संगत करके थक चुका था। उस मित्र की वाणी मेरे लिए अंधेरे में दीपक के प्रकाश के समान मेरे मन को छू गई। मैं तीसरे दिन ही सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा के लिए चल दिया तथा अपनी पत्नी को भी लिया, क्योंकि घुटने की हड्डी घिस जाने के कारण वह भी बहुत परेशान थी और उसकी आंखों में जल बिंदु नामक एक लाइलाज रोग था, तथा अपने छोटे पुत्र की पत्नी को भी साथ में ले लिया। मुझे रास्ते में नेपाल के कई भक्त जन मिल गए जो सतलोक आश्रम में जा रहे थे। इस प्रकार मैं बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम आ गया। मैं संतों व महंतों के स्वार्थ से परिचित था तथा सदगुरु रामपाल जी महाराज का कोई पुस्तक व प्रवचन नहीं सुना था, किसी के कहने मात्र से आ गया था। अतः आते ही नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरा सौभाग्य ही था कि मेरा आना ही सत्संग समागम के समय हुआ और मुझे सदगुरु देव का सत्संग सुनने को मिला, जिसमें मुझे पता चला कि इस संसार के सभी धर्मगुरु, सभी पंडित, सभी पुरोहित अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को काल जाल में फंसाकर हम भोली भाली आत्माओं को नरक भेजने का प्रपंच रच रहे हैं। वे न तो कभी परमेश्वर से मिले हैं और न ही उन्हें परमेश्वर की सत्य भक्ति का ज्ञान है, और यह काम वे चंद रुपयों तथा समाज में सम्मान पाने मात्र के लिए कर रहे हैं। परंतु मैं फिर भी नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी तुरंत नाम दान के लिए तैयार थी, क्योंकि नाम दान के लिए बिना गुरु दर्शन तथा गुरु का आशीर्वाद मिलना संभव नहीं था। यह शायद मुझ पर राजनीति का ही रंग शेष था, जो मैं किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में सलाह मशवरा करके हम तीनों ने नाम उपदेश तारीख 2 मई 2012 को लिया, गुरु जी के दर्शन के लिए गया। वहां पर दया के सागर हम पर कृपा दृष्टि करने के लिए जैसे तैयार खड़े थे, जैसे ही मैंने अपने रोगों के बारे में कहा तो सदगुरु देव जी बोले, सब ठीक हो जाएगा का आशीर्वाद मेरे सिर पर हाथ रखकर दिया और मेरे साथ चमत्कार हो गया। सुबह शौच जाने पर पाखाने से खून गिरा और उसके साथ ही बवासीर मानो समाप्त ही हो गया। 2 दिन आश्रम में रहने पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करीब 80% ठीक हो गया था, जो अब पूरा ठीक हो चुका है। मात्र महीने 2 महीने में कभी कभी कुछ खांसी हो जाती है,
पत्नी के घुटने का रोग भी ठीक हो गया। काठमांडू आने पर काठमांडू के उसी अस्पताल में उनकी आंख का पुनः परीक्षण करवाया। डॉक्टर भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी आंखों में जल बिंदु नामक रोग का कोई नामो निशान भी नहीं है और आंखें पूर्णतया ठीक हैं। मेरा रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार, रिश्तेदारी तथा पड़ोस में चारों तरफ फैल गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी किसी न किसी रोग से परेशान थे, जैसे मेरे बड़े भाई जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनका सारा शरीर फूल जाता था। मेरी बेटी को महीनावारी यानी मेंसेस के समय असाध्य रूप से पेट में दर्द होता था। मेरी दूसरी बेटी जो पेशे से वकील है, साइटिका और गले की हड्डी घिसने के रोग से जीवन से निराश हो चुकी थी तथा मेरी बहन का पति भी जल बिंदु रोग से पीड़ित था। सभी मेरे ऊपर सद्गुरुदेव की कृपा से बहुत ही प्रभावित हुए। तब तक मैं आश्रम के नियमों और भक्ति भाव से थोड़ा बहुत परिचित हो गया था। मैंने सभी को ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी तरह पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगली बार जब मैं आश्रम आने लगा तो सभी को साथ ले लिया। सभी ने नाम उपदेश लिया, विश्वास के साथ भक्ति की। आज सभी रोग मुक्त होकर सुखी जीवन जी रहे हैं। सद्गुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रति रूप नहीं, पूर्ण परमात्मा ही हैं, जो अपने को छुपा कर रख रहे हैं और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग का 5,505 वर्ष बीत जाएगा तो तारणहार संत जग तारण के लिए धरती पर आएंगे। कबीर साहब कहते हैं, 5,505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। सर्व प्रेमी भक्तों, समय आ गया है, पूर्ण संत भी आ गए हैं और ज्ञान अमृत वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान के सभी नकली संत महंत रूपी ठगों से बचो और जल्द से जल्द सद्गुरु के चरण में आकर निशुल्क नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। सत साहिब केशव प्रसाद मैनाली दास, काठमांडू, नेपाल। सतलोक आश्रम की अन्य पुस्तकें आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में, गीता तेरा ज्ञान अमृत, सृष्टि रचना संपूर्ण, मानवता का ह्रास तथा विकास आदि। हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org से डाउनलोड कर सकते हैं।